हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे द लर्नर्स इंस्टीट्यूट चैनल पर। मैं आन मलिक, आज आपको बताऊंगा बेसिक ग्रामर। चलिए स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, ऑब्जेक्ट कर्म। सब्जेक्ट जो काम को करता है, वर्ब क्रिया करना, ऑब्जेक्ट कर्म जिसको किया जाता है। जैसे कि एक सेंटेंस बनाता हूं मैं खाना खाता हूं। मैं खाना खाता हूं, आई सब्जेक्ट हो गया, ईट क्रिया हो गई, फूड खाना ऑब्जेक्ट हो गया जिसको किया जाता है, खाने को खाया जाता है। करना ईट किया जा रहा है, सब्जेक्ट आ गया, सिंपल। अब मैं आपको दूसरे वे में समझाता हूं। सब्जेक्ट पहले मैं आपको समझाऊंगा। सब्जेक्ट हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। प्लूरल सिंगुलर, आई मैं, यू तुम, वी हम, दे वे, ही वह लड़का, सी वह लड़की। इसका मतलब वह होता है, लेकिन ही लड़के के लिए होता है, सी लड़की के लिए होता है। इट कोई भी नहीं। तो फ्रेंड ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर प्लूरल, राइट। अब मैं आपको बताऊंगा वर्ब। यह हमारी होती है वर्ब, आना कम, जाना गो, ईट खाना, ईट पीना, ड्रिंक रहना, लाइव रोना, वीप। ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस काम को किया जाता है वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, या जिस जगह जाया जाता है वो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं, या आप मान सकते हो जो सेंटेंस के लास्ट में होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कपड़ों को धोया जाता है तो कपड़े क्लोथ,
ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे स्कूल जाया जाता है, कहा जाता है स्कूल। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, जिसे पानी को पिया जाता है, किसको पिया जाता है, पानी को, वाटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे।